नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास एनीमे में अनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ। तो बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये जो डबल डिन JXL का ऑडियो डबल डिन ऑडियो प्लेयर है, एंड्रॉयड टीवी बोलेंगे हम इसको, उसके बारे में रिव्यू किया था। तो उस टाइम उसका ना ये वाला जो लाइट है ना, बाजू का लाइट ये पैनल में जल रहा नहीं था, अभी ये पैनल में जल रहा है। थैंक्स मेरे एक व्यूअर को कहना चाहूँगा जिसने मुझे कहा कि लाइट पैनल में जलती है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च कर दिया और रिसर्च में मेरे को समझा कि इसका सच में पैनल का लाइट जलता है, नहीं तो मेरे को लग रहा था ये जो पैनल का लाइट है ना, पैनल का लाइट जलता है। देखो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये जो पैनल का लाइट अंदर का जल रहा है इसलिए आपको अभी दिख रहा रहेगा, एकदम ब्राइट दिखता है, नहीं तो पहले एकदम ये था। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पैनल के अंदर का लाइट कैसे जलता है, उससे पहले मैं इसका कुछ डिटेल रिव्यू कर दूंगा। तो आपके स्क्रीन के सामने हमारा जो एंड्रॉयड टीवी है JXL कंपनी का, तो इसका जो बाजू का पैनल लाइट है ना, पैनल लाइट जलता नहीं। इससे क्या होता है, रात में मुझे दिखता नहीं बैक करने के लिए, होम बटन दबाने के लिए, वॉल्यूम अप करने के लिए, डाउन करने, तो उसके वजह से मैं ये शॉर्टकट की इस्तेमाल करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मुझे मेरे एक व्यूअर ने कमेंट करके बताया कि आपका जो पैनल लाइट है सेटिंग में जाके हो जाता है, लेकिन मैंने सेटिंग में बहुत ढूंढने का कोशिश की लेकिन मुझे वो मिला ही नहीं। तो मैंने ज़रा यूट्यूब पर वीडियो देख के रिसर्च करके मेरे को समझ गया, मैनुअल पढ़ के मुझे समझ गया कि इसके जो बाजू की जो लाइट है पैनल लाइट, इसको पैनल लाइट बोलते हैं, पैनल लाइट कैसे जलती है, फिर आपको मतलब उसमें रात में दिखने में आसानी हो जाती है। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू आपको बता देता हूँ। इसको अभी एक साल के ऊपर हो गए, ज़रा लैगी है लेकिन चल जाता है, काम चलाने लायक है। यहाँ पर क्लॉक है, क्लॉक के बाद ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के बाद मैप है, मैप के बाद FM है और नीचे शॉर्टकट कीज है, और यहाँ से आप ब्लूटूथ के डायलर के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर यूट्यूब का जो है प्रीमियम वर्जन है, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं यूट्यूब जैसे यहाँ पर हमारा यूट्यूब चालू हो गया। यूट्यूब चालू कर देने के बाद आपको प्ले करने के बाद कोई भी एडवर्टाइज आपको यहाँ पर सुनाई नहीं देगी। देखो डायरेक्ट गाना प्ले हो जाता है, कोई एडवर्टाइज नहीं, गाना आगे करना है गाना आगे भी हो जाता है, नहीं तो आप जैसे यूट्यूब यूज़ करते हो ना इसमें ढेर सारा एडवर्टाइज है। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर मैं ये वीडियो पूरा प्ले नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो ऐप है बहुत अच्छा ऐप है, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो आपको ऐप अच्छी तरह से काम आएगा, और ऐप है ना बैकग्राउंड में भी चल जाता है। अगर आपको कोई मतलब मैप लगा रहे हो, मैप से जैसे बाहर आओगे ना तो गाना अपने आप बजते रहेगा और मैप चालू रहेगा, दोनों के दोनों हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये लाइट पैनल लाइट जो है ना कैसे चालू करते। तो सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद मोर सेटिंग में जाना है, मोर में आने के बाद यहाँ पर कार सेटिंग दिख रहा है, कार सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है कार सेटिंग में। कार सेटिंग में आने के बाद आपको अप करना है, और आप में एकदम लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्स्ट्रा सेटिंग, एक्स्ट्रा सेटिंग में जाना है। अगर आपने अपने गाड़ी का पिन रिसेट नहीं किया रहेगा तो आपका नॉर्मल पासवर्ड कंपनी की तरफ से 1 2 3 4 5 6 ये रहता है। अगर आपका टीवी एंड्रॉयड टीवी का अलग दूसरा भी रहेगा ना तो भी ये पासवर्ड आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ज़रा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पैनल लाइट सेटिंग। ये पैनल लाइट सेटिंग है ना वो ओपन है, तो अपन क्या सोचते हैं ओपन है मतलब चालू है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर है ना लाइट अपने आप चालू हो जाता है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं पैनल लाइट है ना, अभी पैनल लाइट में जाता हूँ और ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद बंद हो रहा है, पैनल लाइट में गया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद है ना पैनल लाइट अपने आप जल रहा है, पैनल लाइट हमारा जल गया। तो इससे क्या होता है, नाइट में आपका जो ड्राइविंग करते हो आपको वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है, कॉल उठाना है, पावर ऑफ करना है, पावर डाउन करना है, ये अच्छे से दिख जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका यूट्यूब का, तो इसका यूट्यूब में जाता हूँ और यहाँ पर नो कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करूँगा मैं। Thank you.
दोस्तों यहाँ पर हमारा जो म्यूजिक है, म्यूजिक प्ले हो गया, वॉल्यूम आप करता हो, वॉल्यूम कम रखूंगा। अभी समझो मुझे अलग ऐप में जाना है, तो सिंपल से मैं होम में जाऊंगा। होम में आने के बाद भी म्यूजिक अपने बैकग्राउंड में चला रहेगा। मैप चालू करता हूँ, मैप में भी चला रहेगा, आप एंजॉय कर सकते हो ड्राइविंग करने का कोई बिना दिक्कत के। यहाँ पर मैप लोड होने के बाद आप मैप में एड्रेस डाल के मैप में चल सकते हो, अदर एक्टिविटी कर सकते हो। नहीं तो आपको जाना है सिंपल फिर से यूट्यूब में जाओ, ऐप में आपका म्यूजिक अपने आप चलते हुए रहेगा। और इस प्लेयर की सबसे खास बात क्या, मैं आपको बताता हूँ। अपन ऊपर से नीचे किया, यहाँ पर एक सेटिंग है EQ करके, EQ में जाना है। EQ में आने के बाद यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, यह हमारा इंटरफेस है। इससे आप है ना आपका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है चेंज कर सकते हो आपके मूड के हिसाब से। आप टेक्नो किया अपने आप चेंज हो जाएगा, अर्बन किया, न्यूज़ किया, रॉक किया, क्लासिक किया, पॉप किया, जैज किया, नॉर्मल में एकदम नॉर्मल रहेगा। आपको यूज़र में चाहिए, यहाँ पर मैंने यूज़र सिलेक्ट करके सब बढ़ा के रखा, बास लेगा, टेंजो रहेगा, सब बढ़ा के रखा। और एक इंटरेस्टिंग बात है इसका, मैं यहाँ पर जाता हूँ ना, अभी आप ड्राइव कर रहे हो, आपके पीछे के पैसेंजर समझो मतलब पीछे के जो बंदे सो गए, तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको खाली दोनों आगे के स्पीकर सुनाई देंगे, पीछे का स्पीकर सुनाई नहीं देगा। अभी यहाँ पर मैं को ड्राइवर के पीछे का खाली एक स्पीकर चालू करता हूँ, अभी देखो वहाँ का स्पीकर ही चालू रहेगा खाली, अभी खाली वहाँ का स्पीकर चालू, ये साइड का स्पीकर चालू नहीं, ये साइड का स्पीकर पूरी तरह से बंद है। ऐसे ही मैंने ड्राइवर के साइड कर दिया, तो खाली ड्राइवर के साइड का ही स्पीकर चलेगा। को ड्राइवर बोला, खाली को ड्राइवर का स्पीकर चलेगा। उससे क्या होता है, मिडल में क्या, खाली मतलब चारों स्पीकर चालू हो जाएंगे, खाली आपके गाड़ी में चारों के चारों स्पीकर चालू रहने मांगते हैं। तो ये आपके लिए एकदम इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर लाउड का क्वालिटी है, लाउड बंद कर सकते हो, खाली वोकल सुन सकते हो। लाउड चालू किया तो लाउड चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैं म्यूजिक बंद कर देता हूँ, म्यूजिक बंद करने के लिए ऊपर से भी आपको आ जाएगा। इसका शॉर्ट में आपको ये बात है, आपको ऐप खोलने है, सिंपल से ऊपर करने है, यहाँ पर जाना है, ऐप में आपको सब ऐप मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका प्ले स्टोर है, वाईफाई है, इक्वलाइजर है, स्क्रीन सेवर है, सेटिंग्स है, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। ये आपको अभी 5000 से 6000 के बीच में मिल जाएगा। लेने लायक चीज़ है, एकदम प्रीमियम लगता है, रात में भी एकदम दिखने में अच्छा लगता है। यार आपका ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होता है, ब्राइटनेस भी ऑटो हो जाता है, मतलब इतना कुछ एकदम ऐसी वाली बात नहीं दोस्तों, आप इसको खरीद सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में मुझे कमेंट कर देना आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहेगा तो। धन्यवाद दोस्तों।